एम्पावरिंग विलेजेस, तो ग्राम स्वराज की या ग्राम केंद्रित विकास की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हाउ देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बिटवीन नेहरू एंड गांधी, बिकॉज नेहरू वांट्स हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट नरसिम्हा राव थे, ये स्टडी करके जो बनाते थे वो आता था ड्राफ्टिंग कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी से वो आता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर ये दोनों मिलकर के एक प्रॉपर, मैं उन्हीं के वर्ड को कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा बिल्कुल उस तरह की नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं, चाहते थे, ये खास हालात में पैदा हुई है और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है, नेहरू का स्टेटमेंट है। साथ ही उन्होंने इसमें ये बोला कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट, वी हैव क्रिएटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर सपोज टू बी इंक्लूडेड हियर बट दे आर नॉट, और भविष्य में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो कि हमें इस संविधान में बदलने की जरूरत पड़े, एंड दिस वॉज द रीजन दैट आर्टिकल 368 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जिस सर्कमस्टेंसेज में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए खुद नेहरू जी का ये स्टेटमेंट था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड बाय द पासेस ऑफ टाइम, एज पढ़ लेना लंबा सब संविधान है इसमें ये है वो सब चीजें आप लोग खुद पढ़ सकते हो। अब हम लोग इसमें आते हैं, इसकी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो हम लोग हमेशा गलत करते हैं इंटरप्रिटेशन में, और मैं आपको बताऊं बड़े से बड़ा आदमी गलती करता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रही हूँ। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो प्रियम्बल में तीन चीजें हैं, फर्स्ट वी द पीपुल, सो रिमेम्बर वी द पीपुल ऑफ इंडिया इट इज अ डिक्लेरेशन, हु इज डिक्लेयरिंग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग, हम लोगों डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये डिक्लेयर इसके तीन पार्ट पोर्शन है, पहला डिक्लेरेशन है जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है जो कि सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है। वी ऑल नो दैट ऑल दीज टर्म्स वर इंक्लूडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच हैज बीन रिसेंटली चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस बेसिस दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा जा रहा है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, इस पर हम बाद में आएंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इज द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिमेम्बर बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैव गिवन दिस अस, सो दीज ऑब्जेक्टिव कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, हम इक्वेलिटी को प्रमोट करें, लेकिन सबसे ऊपर इसमें एक खास पॉइंट है जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, इसको भूलिएगा मत, कि शुरू ये होता है जस्टिस से लेकिन खत्म ये होता है फ्रेटर्निटी पे। सो वाइल डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, वन टर्म विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड इन एनी कंडीशन दैट इज फ्रेटर्निटी। अनफॉर्चुनेटली इस पे जजमेंट्स में भी जोर नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद रखना कि दिस प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को हमेशा आप होलिस्टिक तरीके से पढ़ते हो, यू विल नॉट पुट सो मच ऑफ एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू मेक अदर प्रोविजंस लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता। तो इंटरप्रिटेशन में लॉ के हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, पहली बात याद रखना जो मैंने आपको बताया था, एनी इंटरप्रिटेशन विच इज इनकंसिस्टेंट टू द पर्पज ऑफ द लेजिस्लेशन दैट इज नॉट अ गुड इंटरप्रिटेशन, करने वाले तो करते हैं उनको हम रोक नहीं सकते, बट दैट इज नॉट अ गुड इंटरप्रिटेशन। एंड द सेकेंड थिंग इज द लेजिस्लेशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन कॉन्टेक्स्ट टू इट्स पर्पज, इन द केस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the holistic approach of this preamble is very much important in understanding the provision of the constitution, kyunki constitution ek political document hai, isme hum log jaise jaise padhenge isme bahut sari controversial cheeze aati hain, to kal maine aap log ko bataya tha ki if you want to learn something try to earn
अनलर्न में नहीं थे, इसको आप अनलर्न करना सीखो, उनको उस तरीके से देख नहीं पाते जैसे कि हमें उनको देखना चाहिए। तो इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स आएंगे और उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। वी शुड बिहेव लाइक मैच्योर पीपल, सो वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज टुमारो व्हेन यू विल फेस द कोर्ट यू विल गो थ्रू सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये याद रखना, इसकी होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आर्टिकल वन पे, जरा वन पे आ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन लिया कि नहीं आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था? अगर है तो आर्टिकल वन जरा खोलिए, पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल वन। अब देखो, जब आप लोग इसमें एक चीज आप ध्यान देना, जैसे हम ये कहते हैं कि सारा का सारा फ्रीडम स्ट्रगल जो था, दैट बेसिकली वी फॉट फॉर आवर राइट, राइट? बट व्हेन यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन इज नॉट स्टार्टिंग विद राइट्स, इट इज स्टार्टिंग विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड यूनियन इट्स टेरिटरी मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री। सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंट्री, क्योंकि कंट्री का मतलब ही होता है जो जियोग्राफिकली, नेशन और कंट्री के मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। कंट्री का मतलब होता है विच इज जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड दैट दिस पर्टिकुलर एरिया बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो पहला पार्ट है आपका, ये फंडामेंटल राइट से डील नहीं करता, ये कंट्री से डील करता है। और उसका रीजन ये होता है कि इन एनी इंटरप्रिटेशन फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर नेशन। इसीलिए हमारे एक इंटरप्रिटेशन का नॉर्मल रूल याद रखना, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, if there is any conflict between the interest of society and nation, then firstly, ya niche se chalte hain, if there is a conflict of interest between the interest of an individual and the family, then the interest of the family should be protected. ye hamara purana method hai jo aaj bhi chalta hai, then the interest of the family should be protected. if there is a conflict between the interest of the family and the interest of the society, then remember the interest of the society should be protected. And the third thing is, if there is a conflict between the interest of society and the interest of the country, then the interest of the country should be protected. So, तीनों में सबसे ज्यादा important interest किसका हुआ? सबसे ज्यादा important interest हुआ आपकी country का, क्योंकि आप family के बिना रह सकते हैं, आप society के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप country के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए मैं आप लोग से पूछती हूँ ना हर बार कि आप लोगों को ये कौन सी मूवी थी, वो एयरलिफ्ट मूवी आप लोगों को कैसी लगी? तो हर कोई मुझसे कहता है मुझे बहुत अच्छी लगी। पूछो क्यों अच्छी लगी, तो कहते हैं आई होप कि आप लोगों ने भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसको देखना। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसमें देशभक्ति थी, पर सिर्फ पैट्रियोटिज्म था, दिस इज नॉट अ ओनली रीजन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस, इन दैट मूवी। और वो मैसेज क्या था उसका, कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो अक्षय कुमार है उसको बड़ी चिड़ रहती है इंडिया से, इंडिया नहीं रहता पर उसको बहुत चिड़ रहती है, उसको लगता है वो पूरा कुवैत में जाके कुवैत का हो गया। और जब कुवैत पे अटैक होता है तो उसको लगता है कि उसकी कंट्री उसको जल्दी से बचाने के लिए आ जाए। सो द बिगेस्ट मैसेज ऑफ दैट मूवी इज, अगर आप अपने देश को छोड़ देते हो, देश को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका देश आपको छोड़ देता है तो आप कहीं के नहीं रहते हो। सो योर कंट्री इज बेसिकली योर, इज योर आइडेंटिटी। और इसको सबसे अच्छा वो लोग जानते हैं जिनके देश नहीं होते हैं, जिनको आप शरणार्थी कहते हो, जिनको आप इलीगल माइग्रेंट्स कहते हो, जो सीरियस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता भी हो, लेकिन मैं बार बार ये बोलती हूँ कि अगर आप अपने देश को नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते हो। और आपके लिए इसलिए भी इसको जानना जरूरी है क्योंकि दुनिया का हर देश आपके देश की बात करता है, सिर्फ हम अपने देश की बात नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने, अगर आप नहीं जानते तो आप इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए बोला था, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हर चैप्टर के पीछे कुछ चित्र दिए हुए हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में जाते हो, देन एट द लास्ट पेज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव पुट देयर सिग्नेचर। So you can say that all the members of Constituent Assembly have given their approval to those pictures which have been put on different chapters of the Constitution of India. Un chitron ke ek importance hai. Kya importance hai? Because those pictures are basically reflecting the philosophy and culture of this nation. और मैंने आपको बार बार बोला है कि आप किसी भी कंट्री के फिलॉसफी और कल्चर से अलग करके उसके लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। लॉ इज नॉट प्योर लाइक कैल्सन्स थ्योरी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी।
सो द बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलोसफी एंड द कल्चर. इट मीन्स द टेक्स्ट विच इज प्रिंटेड ओवर दोज पिक्चर्स दे शुड बी रेड इन कॉन्सोनेंस विद द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर विच इज द फिलोसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन. तो जब आप भारत की बात करते हो, इंडिया को मैंने आपको बता दिया कि इंडिया एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है जो अंग्रेजों ने डिफाइन करी. लेकिन भारत की खास बात क्या है? भारत की खास बात यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करोगे तो हम कहते हैं कि सबसे पुराना, आपको पता चलेगा, द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. एंड हाउ मच ओल्ड इट इज? 300 साल पुराना है ये, लगभग 300 साल पुराना आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम ओल्डेस्ट मानते हैं. उसके बाद कोई कंट्री 60 साल, 70 साल, 150 साल, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है. मैंने आपको एक चीज बताई थी अपने लास्ट क्लास में कि द इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग दैट दिस इज गुड, देन दैट शुड बी टाइम टेस्टेड. जैसे टाइम टेस्टेड का मतलब क्या होता है? टाइम टेस्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यूरिया आया और आपने बोला यूरिया पैदावार बढ़ा रही है, तो आपको ये कहना नहीं नहीं एकदम यूरिया फॉलो करो ये एकदम सही है. उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये टाइम टेस्टेड हुई जब, तो पता चला कि नहीं ये तो लैंड को इनफर्टाइल करती है. तो टाइम टेस्ट जैसे जैसे हुआ, यूरिया क्या हो गई? अब आज हम किस पे जोर दे रहे हैं? नहीं, हमारा खाना केमिकल से नहीं आना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड हम लेंगे, दो गुना दाम देंगे पर हमें ऑर्गेनिक चाहिए. और जब यहाँ पे इंडिया में बात होती थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हंसते थे और कहते थे ये लोग तो अभी भी गोबर की खाद में फंसे हुए हैं. और अभी उसी गोबर की खाद की प्राइस सबसे ज्यादा हाई हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि गोबर की खाद टाइम टेस्टेड थी लेकिन यूरिया टाइम टेस्टिंग में फेल हो गया. तो अगर आप प्लास्टिक आप देख लो, आप कोई भी चीज देख लो, इनकी कोई भी रिसर्च अगर आप देखोगे, सिर्फ आप कोरोना वायरस में भी देखोगे, तो 6 महीने में 5 स्टेटमेंट चेंज हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि चीजें टाइम टेस्टेड नहीं है. तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने 60 साल, 70 साल, 150 साल पुरानी कंट्रीज को भी फॉलो किया, जबकि वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, अकेली ऐसी कंट्री है जिसका 5000 साल का रिटेन हिस्ट्री है. रिटेन हिस्ट्री 5000 साल की. हालांकि ये याद रखना कि अभी तक इंडिया ने अपनी चीजों की कार्बन डेटिंग नहीं करी है. एंड आई एम 200% श्योर कि 5000 साल नहीं, ये बहुत ज्यादा पुरानी संस्कृति है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत पुरानी संस्कृति को एक नई 50 साल पुरानी संस्कृति से कंपेयर करके उस 50 साल में टेस्टेड संस्कृति की बेसिस पे इतनी पुरानी संस्कृति की चीजों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत की बात अगर आप करते हो तो भारत की डेफिनेशन यहाँ पे क्यों दी गई है, भारत को यहाँ पे क्यों रखा गया है? नॉर्मली आप क्या करोगे, जब किसी कंट्री के सिटीजनशिप को देखोगे ना, तो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, कभी भाषा के आधार पर देश बनते हैं, कभी धर्म के आधार पे देश बनते हैं. ये अकेला देश है जो ज्योग्राफी के आधार पे बना है. कैसे ज्योग्राफी के आधार पे बना है? इसको हमारे शास्त्रों में देखोगे आप तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक ये जो भूभाग है ये भारत है और इसमें रहने वाले भारतवासी हैं. तो इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है. और अब यहाँ पे देखिए, भारतवासी के लिए दे हैव नॉट यूज्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एथनीसिटी, कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि जो भी इस एरिया में रह रहे हैं वो भारत है, भारतवासी हैं. तो इंडिया में नॉर्थ में हिमालय से साउथ में हिंद महासागर का मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान से शुरू होकर के आपका तिब्बत से होते हुए ये भूटान तक जाता है. ये इतनी टेरिटरी आपकी भारत की टेरिटरी थी. और इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि अंग्रेजों ने हमें कैसे धीरे धीरे तोड़ा. अफगानिस्तान हटाया, पाकिस्तान हटाया, नेपाल हटाया, बांग्लादेश हटाया, बर्मा हटाया. लेकिन मैं भारतीय हूँ. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर करतारपुर. आज भी यहाँ से लोग करतारपुर जाते हैं, हिंगलाज मंदिर के लिए लोग आज भी जाते हैं. वहां ने उन लोगों ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन तक्षशिला अभी भी पाकिस्तान में है. तो ये क्या है? ये आपकी कल्चर का पार्ट है. तो कल्चर से आप अगर जब जोड़ोगे इसको तो भारत है. भारत और इंडिया में एक मेजर डिफरेंस और है डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर के. मैंने आप लोग को बताया कि गांधी
इज टॉकिंग अबाउट विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट बट नेहरू बिलीव्स इन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ इंडिया की, अगर मैंने आपको 5000 साल की हिस्ट्री बताई तो आप ये मान के चलो कि 5000 साल तक हमने इस देश के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, यहाँ की नदियां सुरक्षित रही, यहाँ के पहाड़ सुरक्षित किए रहे, बट इन लास्ट 70 ईयर्स वी हैव किल्ड आवर ऑल नेचुरल वाटर बॉडीज। नदियों का पानी हमने जहर बना दिया, मिट्टी को हमने जहर बना दिया, हवा में हमने जहर घोल दिया। तो ये जो 70 ईयर्स का हमारा डेवलपमेंटल मॉडल रहा है, वी हैव पेड वेरी हैवीली फॉर दिस डेवलपमेंट। तो इंडिया और भारत में एक मेजर डिफरेंस आप याद रखना कि भारत इज एन इकोसेंट्रिक इकोनॉमी व्हाइल इंडिया इज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक इकोनॉमी। भारत इकोसेंट्रिक है और इंडिया एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इसका मतलब इंडिया और भारत में बहुत मेजर अंतर है, दो टेरिटरी वाइज वी कैन से दैट दे बोथ आर सेम। सो देयर इज अ डिफरेंस, भारत इज अ फिलोसफी, इंडिया इज मोर टेरिटोरियल इन नेचर, राइट। वो मैं बताऊंगी तुमको, तुम्हारा जो सवाल है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, ठीक है ना। वो बुल जो स्ट्रेंथ को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हड़प्पा की सभ्यता से लिया गया है और वो आपकी सभ्यता की स्ट्रेंथ या पावर को रिफ्लेक्ट करता है जो तुमने उसको मेंशन किया है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम लोग को बोला था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग देख लेना। तो ये हो गया आपका इंडिया दैट इज भारत, राइट। तो इंडिया और भारत का आई थिंक तुम लोग को मतलब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज ये क्या कह रहा है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। What is the meaning of union of states? मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर आपको constitution पढ़ना या समझना है ना, तो आप हर एक शब्द के अर्थ को समझोगे। मैंने आपको इंडिया का मतलब बताया, मैंने आपको भारत का मतलब बताया। Now we will discuss what is the meaning of union of states। देखो एक चीज तुम लोगों को अभी जब 370 वाला इशू चल रहा था तो एक चीज बार बार बोली जा रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने राजा हरि सिंह के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड करेंसी ये भारत के पास रहेंगे, बाकी सब जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास रहेगा। एक चीज तो तुम लोग ये याद रखना कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड दिस इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया अराइजन, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन was created for every princely state. हर princely state के लिए instrument of accession create किया, बनाया गया था। और ये वही instrument of accession था जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को दिया गया था। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इसको आप जाकर के चेक कर सकते हो। एवरी प्रिंसली स्टेट हैज द सेम फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, थ्रू द बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन basically these princely states they got integrated in the union of india। integration का मतलब आप जानते हो, integration का मतलब होता है जैसे बूंद जब सागर में मिलती है ना तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह ये princely state जैसे union of india में मिले इनकी separate identity खत्म हो गई। ये integration है, ये merger है, ये integrate हुए हैं, ये merge हुए हैं। और मर्ज होने का मतलब ये हुआ कि इनकी अब कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे अमेरिका में क्या होता है, स्टेट्स हैव देयर ओन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड इन प्योर फेडरल कंट्री इट हैपेंस। बट रिमेंबर इन द केस ऑफ इंडिया There is no agreement between the princely state दिया कि नहीं दिया कि तेलंगाना को आंध्रा कभी भी नहीं क्रिएट करना चाहता था। आंध्र प्रदेश never wanted to separate this तेलंगाना because तेलंगाना is a region which is very rich in natural resources। तो आंध्रा को क्या लग रहा था कि तेलंगाना के हटते ही हमारा जो natural हम एक poor state हो जाएंगे। And the second important thing is they were going to lose considerable number of seats in Lok Sabha and Rajya Sabha. That's why there was a resistance on the part of Andhra Pradesh that we will not allow to create Telangana. Lekin phir bhi center chahta tha to center ne kar diya. Kyun kar diya? Because states have no territorial integrity. To yahan pe proper merger hai, proper integration hai territories ka union of India mein. To agar union chahe to wo kuch bhi kar sakti hai. Aur yahan pe ek jo aap यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हो, इसको जानना इसलिए भी जरूरी है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में
एक्चुअली कभी काफी लंबे समय तक जब आप देखोगे तो देर वॉज अ रूल ऑफ अ सिंगल पोलिटिकल पार्टी एंड दैट वॉज कांग्रेस। बट सडनली सिंस 90s या लेट 80s में आप कह लो, देर वॉज अ राइज ऑफ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज। पहले इतनी नहीं थी, कम्युनिस्ट थी, फिर जनता पार्टी थी। हाँ मैं कर दूंगी, जूनागढ़ को भी डिस्कस करूंगी। तो अब क्या था कि कांग्रेस थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी संख्या में बहुत कम थी, लेकिन जब आपका ये लेट 80s में देर वॉज अ सडन राइज ऑफ सेवरल, स्पेशली आपका ये जो क्या नाम है इनका, बिहार में जो मूवमेंट हुआ, क्या नाम था जेपी उनका, मूवमेंट, जेपी हाँ मूवमेंट। जेपी मूवमेंट, राइट राइट राइट, जेपी मूवमेंट जो हुआ, आफ्टर द जेपी मूवमेंट देर वॉज अ राइज ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, रीजनल पोलिटिकल पार्टीज। तो रीजनल पोलिटिकल पार्टीज की खास बात क्या होती है ना, रीजनल पोलिटिकल पार्टीज हैव रीजनल इंटरेस्ट, क्योंकि वो वहां पर डोमिनेट डोमिनेट करते हैं। इंडिया में क्या है कि अभी 2014 के पहले एक लंबे समय तक देर वॉज अ अराउंड एरा ऑफ 20 ईयर्स वेयर देर वॉज अ कोअलिशन गवर्नमेंट। तो कोअलिशन गवर्नमेंट जब भी आती है तो ये रीजनल पार्टीज दे बिकम मोर पावरफुल। क्यों पावरफुल हो जाती है, उनके पास जितने ज्यादा एमपी हैं उतने ज्यादा वो बार्गेन करने में सक्षम होती हैं। तो आपने देखा होगा कि दे विल डिमांड कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें इतने मंत्री पद चाहिए। वाई दे आर एबल टू डू सो, इफ दे आर मोर मोर इलेक्टेड एमपीज देन दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू बार्गेन, बट दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर रीजनल इंटरेस्ट। इसीलिए जब हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स वेन अ स्टेट चीफ मिनिस्टर इज थ्रेटनिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि अगर आप वहां गए ना तो मैं समर्थन वापस लूंगी, या फिर द यूनियन ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद अ नेबरिंग कंट्री बट द सीएम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज सेइंग कि हम इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण नाउ देयर इज अ टाइम, धीरे धीरे क्या हुआ कि सेवरल कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, द नंबर ऑफ द कंफ्लिक्ट स्टार्टेड राइजिंग। और जैसे जैसे कंफ्लिक्ट बढ़ने लगे वैसे वैसे ये भी महसूस होने लगा कि नाउ इट इज हाई टाइम टू डिफाइन द करेक्ट नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यू वाइल डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स, बट वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल द स्टेट्स हैव बीन मर्ज्ड और इंटीग्रेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कोई अलग होने की बात नहीं कर सकता, जैसे आपने यूरोपियन यूनियन में देखा कि ब्रेक्सिट हो गया, या स्टेट्स उस तरीके की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्लेम नहीं कर सकते हैं जैसे कि ये अमेरिका जैसी कंट्रीज में करते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे इसको डिटेल में हम लोग एलेबोरेट करते जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2। इट सेज द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत मतलब क्या, तो हम बताएंगे कि इतने सारे स्टेट्स और इतनी सारी यूटीज को मिला करके भारत बनता है, राइट? तो भारत में कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से टेरिटरीज हैं, दिस इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ये शेड्यूल 1 जब आप लोग खोलोगे, खोल को उसको देखना, उसमें जो है मेंशन है, स्टेट्स के नाम मेंशन है और साथ ही साथ उसमें यूटीज के नाम मेंशन है। फिर आता है आपका द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, क्या क्या चीजें आएंगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में में आएगा आपका द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्टेट मेंशन है स्टेट लिस्ट में, आपको भी पता है, सॉरी शेड्यूल 1 में। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल में यूटीज मेंशन है, वो भारत में आ जाएंगी। थर्ड थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच सेज सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो अब एक्विजिशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की जाएगी तो वो भारत का हिस्सा होगी, या दैट वुड बी द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक्वायर्ड टेरिटरी का क्या मतलब होता है, एक तो ये हम लोग देखेंगे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज सेशन ऑफ टेरिटरी और सीडिंग ऑफ टेरिटरी टर्म इज नॉट यूज एनीवेयर। अभी आप लोगों ने देखा है कि वेरी रिसेंटली देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट वी एक्सचेंज आवर टेरिटरी। तो हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरीज दी और हमने बांग्लादेश से कुछ टेरिटरीज ली है, लेकिन जब आप इस एरिया को स्क्वायर किलोमीटर हो चाहे जो भी हो, हमने अपने एरिया को लॉस लूज किया। जब हमने अपने एरिया को लूज किया इसका मतलब हमने अपना कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दी। तो जैसे ही हमने दी तो बेसिकली वी हैव सीडेड आवर टेरिटरी। नाउ द क्वेश्चन इज इफ अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3
टर्म सीडिंग ऑफ टेरिटरी इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, देन हाउ गवर्नमेंट्स आर सीडिंग द टेरिटरी। वेरी बारी यूनियन का भी केस इसके पहले आया था जिसमें कि इसको डिस्कस किया गया था, हम लोग उस केस को भी देखेंगे। पर मेरी एक बात आप ये जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि टर्म सीडिंग ऑफ टेरिटरी इज नॉट, या सेशन ऑफ टेरिटरी इज नॉट मेंशन स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 1, बट टर्म एक्वायरिंग टेरिटरी इज मेंशन। तो एक्वायरिंग टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। अब एक्वायर कैसे होगा? एक्वायर ऐसे होता है, एक तो आपको पता है वॉर आपने किया और आप जीत गए, लेकिन इंडिया का अब तक का कोई इतिहास रहा ही नहीं है कि उसने वॉर के थ्रू कोई टेरिटरी एक्वायर करी हो, क्योंकि जो जीते वो भी इन्होंने दे दिया, हमारे पास कोई टेरिटरी एक्चुअल में आई नहीं। लेकिन वॉर करके भी आप टेरिटरी को ले सकते हो। दूसरा क्या होता है, जैसे आप सीओके और पीओके को देखते हो, ये इंडिया की टेरिटरी है, क्योंकि अगर आप जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में मेंबर्स को देखोगे तो पीओके के मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अभी भी वहां पे असेंबली में सीटें खाली हैं। तो पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया, सीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसको इंडियन टेरिटरी माना जाता है, वो इलीगल ऑक्यूपेंट माने जाते हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा। एक्वायर टेरिटरी का मतलब हुआ या तो आपने वॉर करके लिया। दूसरा इसमें क्या होता है कि सपोज एनी कंट्री इज रिक्वेस्टिंग दैट वी वांट टू मर्ज इन इंडिया, तो उस कंडीशन में भी आप उसको एक्वायर कर सकते हो। जैसे आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि अंग्रेजों ने 1919 में द ब्रिटिशर्स क्रिएटेड नेपाल, नेपाल बनाया उन्होंने 1919 में। In 1947, when India got independence, that at that point of time, Nepal is requesting India कि आप हमें भारत में मिला लो। क्योंकि अगर आपने नेपाल के बारे में, obviously आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, नेपाल और भारत के बीच के जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत पुराने हैं, हम सेम कल्चर को शेयर करते हैं। और साथ ही साथ अभी भी हमारी जो इंडियन आर्मी में जो गोरखा बटालियन है, गोरखाज मेनली नेपाल से आते हैं। दूसरी बात यह है कि देयर इज अ कंसिडरेबल नंबर इन लैक्स एंड करोड़, मे बी इन करोड़, देयर आर नेपाली पीपल हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। देयर इज अ ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, सो आइडियली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेपाल वॉज रिक्वेस्टिंग इंडिया कि हमें आप मिला लीजिए, बट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वट वॉज द रीजन, नेहरू जी वॉज नॉट एग्री। उन्होंने बोला नेपाल विल प्रॉस्पेरस मोर एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर उस समय हमने मिला लिया होता तो आज जो चाइना की सिचुएशन हम देख रहे हैं वो हमें फेस ना करनी पड़ती। पर ये एक एग्जाम्पल है। सपोज टुमारो अगेन इट हैपेंस दैट नेपाल इज रिक्वेस्टिंग दैट वी वांट टू मर्ज इन इंडिया, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस नेपाल वुड बी एन एक्वायर्ड टेरिटरी। या जैसे भूटान का केस आपने देखा है, भूटान छोटा सा देश है, इसको भी इंडिया से अलग करके बनाया गया। चाइना इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्लूडिंग इन भूटान, कीप थ्रेटनिंग, डोकलाम का इशू आप लोग को मालूम है। तो भूटान के साथ हमारा टाई क्या है कि भूटान को संरक्षण हम देंगे, इसलिए जब भी आप भूटान जाओगे इंडियंस को छोड़ करके, मैक्सिमम वहाँ फ्रीडम्स इंडियन को है, बाकी जितने भी लोग वहाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं सबके लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज वी शेयर स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान। तो भूटान क्या करता है, भूटान को हम सुरक्षा देते हैं कि अगर आपके टेरिटरी में कोई भी इंटरफेरेंस होगा देन इंडियन आर्मी विल डिफेंड यू। इसीलिए आपने देखा होगा डोकलाम का क्षेत्र जो था वहां पे इंडियन आर्मी गए डिफेंड करने के लिए, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली दैट एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। तो इसमें क्या है, अगर कल को भूटान कहे या नेपाल कहे, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेज दे विल बी एक्वायर्ड टेरिटरी इफ दे से दैट वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस नेशन, दैट इज एक्वायर्ड टेरिटरी। तीसरा इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को एक्वायर किया, आपने जीत के एक्वायर किया या उस कंट्री को की रिक्वेस्ट पे आपने एक्वायर किया, देन व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। तो फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी में क्या होता है, सपोज द कल्चर इज वेरी मच और द लैंग्वेज इज वेरी मच एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। इतना आपको समझ में आया जो मैंने बोला, ये है आपका आर्टिकल 1। इसके बाद आर्टिकल 2, 3 और 4 जब हम देखते हैं, 5 जो है, 5 तक आपका पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 5 और सॉरी 4 तक आपका आर्टिकल टॉप पार्ट 1 है। तो पार्ट फ्रॉम 1 टू आर्टिकल 4 वी बेसिकली डिस्कस दिस इंटरनल अरेंजमेंट एज वेल एज द स्टेटस ऑफ द एक्वायर्ड टेरिटरी इनटू इंडिया। अब इस पे कोई सवाल हो तो तुम लोग पूछो, फिर इसको आगे देखते हैं। मेरा गला भी दर्द हो रहा है, कोई सवाल है तुम लोग का? मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बताओ। मैम दिस फ्रेज इज रिटन इन आर्टिकल 2, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फ्रेज एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, वेदर दिस फ्रेज इज लिमिटेड टू द एक्वायर्ड टेरिटरी, द न्यू टेरिटरीज व्हिच वी आर एक्वायरिंग,
or whether this phrase established new states will also refer to the existing states. Suppose in case of Andhra Pradesh or Telangana, whether this phrase under Article 2 established new states will cover those territories also, existing states also. And if yes, if the answer is yes, that okay, fine, this will cover the existing states, then why there was need to incorporate Article 3 itself? There would have been no need to incorporate Article 3 because this phrase would have covered all the territories. So you have basically given given the answer of your question, because once the term used is now parliament may by law admit, you know, this term admit is self-explanatory. So admit ka matlab hi kya, matlab kya hua ki you are going to admit something which is new. राइट तो एडमिट में आप क्या करते हो, एडमिट का मतलब हुआ कि जो आपने एक्वायर किया उसको आप प्रॉपरली एडमिट करोगे. तो प्रॉपरली एडमिट करने का क्या मतलब होता है, इसमें पहले एक लेजिस्लेशन पास होता है और उस लेजिस्लेशन के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं कि इसको हमने ऑफिशियली एडमिट किया. अब एडमिट करने के बाद आप क्या करोगे, इसीलिए तुम्हारा सवाल अच्छा है. अब एडमिट करने के बाद जैसे मैंने तुमको बोला कि तुमने एग्जिस्टिंग स्टेट में तुमने मर्ज किया, तो तुम्हारा जो आर्टिकल 3 है ना वो इंटरनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है. तो अगर तुमने जैसे मान लो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल की मैंने बात करी, तो वेस्ट बंगाल तो हमारे पास है, ईस्ट बंगाल तो हमारे पास है नहीं. अब अगर ईस्ट बंगाल या उसका कुछ पोर्शन इंडिया में आता है, अच्छा ओके ओके, मैंने कहा कि जैसे मान लो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के, अब आवाज आ रही है साफ? यस मैम. हाँ, तो जैसे हम लोग ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं ना, अब मान लो ईस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन इंडिया में आता है, राइट तो अब आप क्या करोगे, आप उसको बंगाल में आपने उसको मर्ज किया, तो पहले आप क्या करोगे, उस एक्वायर पोर्शन का प्रॉपर एसिमिलेशन आर्टिकल 2 को यूज करके उसको एडमिट करोगे इंडिया में, और फिर आर्टिकल 3 को यूज करके उसको बंगाल में ऐड करोगे, यानी वेस्ट बंगाल में ऐड करोगे. तो आप क्या करोगे, आपके तीन आर्टिकल एक साथ ऑपरेट होंगे. वन में आप एक्वायर करोगे, टू में उसको प्रॉपरली एडमिट करोगे, और थ्री में आप वेस्ट बंगाल की टेरिटरी में उसको मर्ज करोगे. You are getting my point. और फोर में आप क्या करोगे, शेड्यूल में जाओगे, शेड्यूल थ्री में जाकर के आप वहां पे वन में भी चेंज करोगे और थ्री में भी चेंज करोगे. वन में क्यों चेंज करोगे, नाउ द टेरिटरी ऑफ वेस्ट बंगाल हैज बीन चेंज बिकॉज देयर इज अ न्यू टेरिटरी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना. तो आर्टिकल वन में जिसको आप एक्वायर करोगे लेजिस्लेशन के थ्रू, उसको आर्टिकल टू में एडमिट करोगे, और आर्टिकल थ्री का आप यूज करोगे जब आप उसको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में ले जाकर के मर्ज करोगे. और फिर चूंकि आपके ओवरऑल स्टेट्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इसलिए आप शेड्यूल वन को चेंज करोगे जहां पर लिखा है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. तो फिर आप फर्स्ट शेड्यूल में वेस्ट बंगाल में जाओगे और वहां पे आप ऐड करोगे कि ये पोर्शन अब वेस्ट बंगाल में ऐड हुआ. इट इज क्लियर टू यू नाउ? आगे हम लोग इसको खैर और डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक नाउ इट शुड बी यस मैम, है ना, समझ गए ना मेरी बात? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. ठीक, कोई और सवाल तुम लोगों का? वन आउट ऑफ लीक क्वेश्चन. हाँ पूछो भाई, मुझे आएगा तो बताएंगे, नहीं तो बाद में बताएंगे. पूछो पूछो. हर्षित, हर्षित, यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? What was the main reason that we adopted all the laws and the acts of Britishers, which has sole purpose of looting and brutalizing Indians, even when all our revolutionary wants to demolish? ये तो it's a very big mystery and it is very unfortunate also. और इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हमें impact analysis करनी चाहिए. अगर आप आज जो cases देखते हो कि किस तरीके से pendency और justice में कितना delay हो रहा है, या education का हमारा जो पैटर्न है उसको देख करके कम से कम अब हमें समझना चाहिए कि जिन चीजों को हमने फॉलो किया वो हमारे लिए सही नहीं थी. एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सडनली दे डिसाइडेड टू गिव अस फ्रीडम एंड वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर. हमें लगा अचानक इन्होंने हमको तो वो मिल गया जो हमें देना चाहते थे, बट आई पर्सनली फील दैट देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी जो उन्होंने अचानक डिसाइड किया. एंड मैंने तो इस पर काफी पढ़ा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ गिविंग दिस सडन फ्रीडम वॉज सुभाष चंद्र बोस. Because at that point of time he was very powerful. उनकी जो आजाद हिंद फौज थी वो भी बहुत पावरफुल थी, और उनको ये पता था कि ये जो कैबिनेट मिशन प्रपोजल लेके आया है कि इंडिया को डिवाइड करेंगे, ये सुभाष चंद्र बोस कभी भी एक्सेप्ट ना करते. तो सडनली जो उन्होंने दिया, इसलिए आप इटली को भी अगर आप पढ़ते हो तो इटली ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज द मेन रीजन ऑफ क्विटिंग इंडिया.
तो हमने क्या किया, हमें अचानक से मिली, हमने ले लिया, और लेने के साथ जो सबसे बड़ी गलती करी, हमने उसी मॉडल को जिसको उन्होंने हम पे रूल करने के लिए अप्लाई किया था, उस मॉडल को हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए एक चीज जो मैं बार बार इंडिया की बात करती हूँ, तुम लोग इसमें एक चीज देखना कि आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ आर्ट और इन एनी अदर फील्ड। जो भी यहाँ पे चीजें हुई थी वो आजादी के 100-200 साल या 1000 साल या उससे पहले की हैं। तो हमें खुद ये समझना चाहिए कि जिस देश का इतना मेजर कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के नॉलेज सिस्टम में रहा, वो इनके सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद कोई भी कंसिडरेबल ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया। सिंपल सा मैं तुम लोग को एग्जाम, अब तुम लोग को जो रटंत विद्या पढ़ाई जाती है, आई एम तो टोटली अगेंस्ट दिस, कि हम तुम लोग को रटाते हैं, हमें क्यों रटाया जाता है, मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अब तुम ये भी देखो कि ये तुमको कहाँ मिला। तुम लोगों ने भास्कराचार्य का नाम सुना होगा, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। उनकी शिष्या थी जिनका नाम था लीलावती, उनका नाम भी तुम लोगों ने सुना होगा। भास्कराचार्य महान गणितज्ञ थे, लीलावती जब उनकी शिष्य थी, तो भास्कराचार्य ने उनको 11 सूत्र पढ़ाए मैथमेटिक्स के और उनसे बोला 11 मैंने तुमको बताए हैं, आगे का काम तुम्हारा है, तुम खुद अब नए सूत्र खोजो और तुम खुद इस गणित को आगे बढ़ाओ। उसके बाद लीलावती ने, आप लोगों को पता होगा लीलावती शी इज अ वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियन, हमारे यहाँ तो पढ़ाते ही नहीं है, और आपको ताजुब होगा ये जान करके कि नासा आज भी उनके गणित के फॉर्मूले को फॉलो करती है, पर हम अपने देश में उसको फॉलो नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, उस गणित को ही हम भूल गए, जानने वाले लोग ही नहीं है, जिसको वैदिक मैथ्स कहते हैं। एकदम सही बोला, वैदिक मैथ्स कहते हैं। और ये किताब आपको पता है कहाँ मिली, ये किताब जापान के पास मिली, जापान ने ये चीज लिटरेचर हमें इंडिया को ला करके दिया, ये भास्कराचार्य और लीलावती के बीच का ये जो संवाद है, और लीलावती ने उसके बाद जितने मैथमेटिक्स के सूत्र हमारे पास है ही नहीं, वो लेके चले गए। और इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, इंडिया में जो लिटरेचर था, दारा शिको को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है संस्कृत के लिटरेचर का, दारा शिको ने फारसी में ट्रांसलेशन किया, वहां से वो गया टर्की, टर्की से वो यूरोप गया है, और ये सारे लिटरेचर पूरी दुनिया भर में यहीं के फैले हैं। लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या थी, दे नेवर वांटेड टू एक्नॉलेज अस कि इंडियंस ने इतना अच्छा काम किया या इतना अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुम लोग को एक बुक दिखाती हूँ, तुम लोग को अगर यकीन ना हो तो तुम लोग इस बुक को पढ़ना, ये देखो दिख रही है, श्रोडिंगर व्हाट इज लाइफ, इसमें ही हैज गिवन ऑल द क्रेडिट, ही हैज गिवन सो मच ऑफ क्रेडिट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर इंडिया ने हमें ये चीज ना बताई होती तो हमें पता ही ना चलता। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम रटंत विद्या पर चलते हैं। अगर मैं चाहूँ तब भी मैं तुम लोग को ये स्कोप नहीं दे सकती कि तुम कोई नई चीज लेकर के मुझसे डिस्कस करो। उसका रीजन है कि हमें सेमेस्टर में बांध रखा है इन लोगों ने, तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, सो वी आर बॉदर ओनली अबाउट, तब भी मैं तुम लोग को ये चीजें इसलिए बताती हूँ कि कम से कम तुम लोग इस रटंत विद्या से आगे निकलो, बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट दिस एजुकेशन पैटर्न। ये हमें सोचने नहीं देती, ये हमें गुलामों की तरह से बिहेव करना सिखाता है। और इसीलिए मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी कि एक तिहाई टीचर का, एक तिहाई खुद का और एक तिहाई एक्सपीरियंस का, इससे अपने आप को बनाओ। जो सिर्फ मैंने बताया उस पे रिलाई, उस पे सिर्फ उसी को मान के मत बैठो, आगे खोजो और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि इतने 3-4 महीने में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। बट यस, वंस यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तुमको कोई गाइडेंस चाहिए, जितना मुझे आता है मैं तुम लोग को जरूर बताऊंगी। अभी किसी ने चाणक्य की बात करी है, मैं चाणक्य के पॉलिटिकल साइंस को भी डिस्कस करूंगी। इनफैक्ट आप लोग जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, मेरे क्लास खत्म होने के बाद जब आपको टाइम मिला आप एक काम करना, आप मीमांसा शास्त्र डालना और आप इंडियन एविडेंस एक्ट को उससे कंपेयर करना। हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने बनाया, एविडेंस की एक एक चीज आप कितने हजार साल पुराना है ये हमें भी नहीं मालूम है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी चीजें मालूम ही नहीं है, इसीलिए जरूरी यह है कि आप इन चीजों को पढ़ो। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो जीन आज भी हमारे अंदर है, और अगर वो करके गए तो हम भी इसको कर सकते हैं। हमें सिर्फ जरूरत है इस चीज को रियलाइज करने की कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इससे आगे बढ़ो, इस रटंत विद्या से आगे बढ़ो। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट एटलीस्ट नो बडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग समथिंग न्यू। Whatever I knew, I know, I will definitely tell you. क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो इतना टाइम नहीं होता, पर छोटी छोटी चीजें मैं आपको बहुत सारी बताऊंगी।
तो इसीलिए जो है क्यों हमने उस मॉडल को फॉलो किया ये हमें आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हम अभी भी कहीं ना कहीं गुलाम हैं और इसीलिए इसको बदलने के नाम पे एक बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम एक्चुअली जानते नहीं है कि हम क्या है। मुझे यकीन है कि जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, क्योंकि ये किसी क्लास में बताया ही नहीं जाता है। तो आप लोग पढ़ो, आप लोग मेहनत करो, तो ये जो आपका चाणक्य की जो बात कर रहे हैं, मैं अभी एक हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अगर तुम लोग को इंटरेस्ट होगा तो आई विल इनवाइट यू। पूरी दुनिया में चाणक्य के अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक मॉडल है, आप लोग को पता है पूरी दुनिया की मैनेजमेंट थ्योरीज में चाणक्य की थ्योरी पढ़ाई जाती है, इंडिया में अब हमने पढ़ाना शुरू किया है। और ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है ये पूरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, और इसमें इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में चाणक्य के वर्क पे ही चर्चा होनी है, क्योंकि चाणक्य की आई एम श्योर कि आपने कभी अर्थशास्त्र देखी भी नहीं होगी। अगर आप वाकई में जानना चाहते हो एक बार जाकर के उस किताब को खोल करके देखो। मैंने जब उसको उठाया था मेरी लाइफ की वो पहली किताब है जिसको मैंने कभी भी एक हाथ से नहीं उठाया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतने तगड़े विजन से आज भी उस उनका जो है विजन जो है इतना ही रेलेवेंट है। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं पढ़ते हैं, वो सोचो आप चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो हम फेडरलिज्म कहते हैं हमने अमेरिका से लिया, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। सबसे पहला फेडरल स्ट्रक्चर चंद्रगुप्त मौर्य का था। सुप्रीम कोर्ट की बात चाणक्य के उसमें मिलती है, सुप्रीम मिसलेनियस कोर्ट्स की बात मिलती है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट की बात मिलती है। जिस प्राइवेसी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, चाणक्य के टाइम पे प्राइवेसी का वॉयलेशन वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल रीड इट इज प्रॉपरली डिस्क्राइब दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेसी इन चाणक्य अर्थशास्त्र, बट वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो हम कहते हैं हमने यहाँ से हो रहा है वहां से हो रहा है, तो वी नीड लॉट्स ऑफ रिसर्च। और मैं तो चाहूंगी, मैं बताती इसीलिए हूँ कि तुम में से कम कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो तो कुछ लोग इस पे काम करो, क्योंकि जब तक बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। और चूंकि वो हमारे पूर्वज हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उनके काम को आगे ले आए, हम बाकी लोगों को भी पढ़े। हमें ये नहीं करेंगे हम सिर्फ अपने को पढ़े, पर कम से कम ये तो जाने कि हम कौन है। तो दिस वॉज द रीजन दैट आई डिस्कस दीज थिंग्स। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज आई विल कीप डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी मच रेलिवेंट। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज एन आर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया कोई, मैम डू यू थिंक दैट वी हैव बीन गिवन एनफ रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट टू बी एन राव्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू। अरे बहुत कम लोगों के, एक्चुअल में क्या है ना, बी एन राव का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, येस यू आर राइट, लेकिन इशू इसमें क्या है ना कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में दो चीजें थी, एक तो था जिसको असेंबली ने अप्रूव कर लिया, और दूसरा क्या था जो अप्रूव नहीं किया गया लेकिन जिसपे बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट पे एक अच्छा खासा, अगर मेरे से संभव होगा तो मैं इस पर आप लोग को कुछ लेक्चर करा दूंगी, ताकि कम से कम हमें पता चले कि असेंबली के डिबेट की कोर बातें क्या थी। तो बी एन राउस के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी एक बार मुझे खुद भी देखना पड़ेगा, पर हाँ मैं ये जरूर मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के काम को वो रिकॉग्निशन नहीं दिया गया जो कि लोगों को मिलना चाहिए था। तो बी एन राव भी उसमें एक है। तो ये शहबाज का क्वेश्चन था, और जब भी तुम लोग को टाइम मिले, तुम लोग इसको टाइम तो खैर क्या ही मिलेगा तुम लोग को, तुम लोग तो ऑलरेडी ओवर वो रहते हो। बी एन राव का तो मैंने तुम लोग को बताया कि बी एन राव का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर रहे हैं। तो उनके उनका रोल तो ऑब्वियसली है, क्योंकि पहला ड्राफ्ट वही तैयार करते थे, वहां से जाता था वो प्रारूप समिति को यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को, और वहां से आता था। लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि आज से पहले शायद तुम लोग से ज्यादातर लोगों ने बी एन राव का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं सुना गया है। खैर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे देखेंगे। अब तुम लोग के नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा, और अब आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं। कल तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लेके बैठना और हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।